क्या गर्भावस्था के दौरान चीकू खाना ठीक है? आपके इस सवाल का जवाब है कि गर्भावस्था के दौरान चीकू खाना केवल ठीक ही नहीं है, बल्कि यह आपके साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। सपोता यानी चीकू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके कारण इसे गर्भवती महिलाओं के लिए एक सुपर फूड भी माना जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और स्वस्थ कैलोरी होने के साथ साथ यह फल एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। चीकू में कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें मौजूद मिनरल्स हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। गर्भावस्था के दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी आप चीकू का सेवन कर सकती है। इसमें पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह फल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जाना जाता है। गर्भावस्था के दौरान ज्यादातर महिलाओं को तनाव होने की शिकायत होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि चीकू में प्राकृतिक सिडेटिव होते हैं, जो नसों को आराम व शांति प्रदान करते हैं और तनाव को कम करते हैं। चीकू में प्राकृतिक रूप से डायूरेटिक और डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं। यह पेशाब के माध्यम से शरीर में मौजूद सभी विषाक्त पदार्थों को कम करने में मदद करते हैं। गर्भवती महिलाओं को ज्यादातर ब्लड प्रेशर के स्तर में उतार चढ़ाव की समस्या होती है। चीकू में मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम ब्लड प्रेशर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। फलों का अधिक से अधिक फायदा लेने के लिए एक सामान्य नियम यह है कि इसे ताजा खाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।